Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, plants ko hum kehte hain ki hamare liye wo bahut hi zyada kaam aate hain. Well, that's actually true. प्लांट से हमें सारी वो चीजें मिलती हैं जो कि हमारे डेली रिक्वायरमेंट में काम आती हैं, राइट किड्स? जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, राइट? ये सारी चीजें हमें प्लांट से ही मिलती है और मेन चीज जो हमें प्लांट से मिलती है वो है एयर टू ब्रीथ. बट किड्स, डू यू नो दैट जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं. उनमें से वन स्पीशीज इज अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज जो कि इंसेक्ट्स को खाती है. यस, वो एक्चुअली में इंसेक्ट्स को या ऐसे ही छोटे छोटे रोडेंट्स या ऐसी किसी न किसी चीज को ट्रैप करके खा जाती है. यस, और वो कुछ डेंजरस प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं किड्स. So let's start. This is chapter number 8. Insectivorous plants, yani ki insects ko khane wale plants, jaise herbivore, carnivore, omnivore, scavengers, aise hi ek insectivorous plants hote hain jo sirf insects ko khate hain. So let's start. This is some plants eat animals. These carnivorous plants feed on insects and are generally found in wetlands and swamps. So, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं और ये जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो ज्यादातर इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं और जनरली ये वेटलैंड्स या फिर स्वॉम्प्स में पाए जाते हैं, राइट किड्स? तो आज हम इन्हीं की रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले विल रीड अबाउट दी लेट मी आंसर. नेम द मोस्ट कॉमन इंसेक्टिवोरस प्लांट इन इंडिया. इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है किड्स? सर्च एंड राइट इन योर नोटबुक, राइट? चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं. राइट द नेम ऑफ द प्लांट्स. यू कैन आल्सो यूज द हेल्प लिस्ट. आप हेल्प लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं और इन प्लांट्स का नाम आप राइट डाउन कीजिए. चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर इनका नाम लिखेंगे. सो नंबर वन इज डैश. इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट विद पिचर्स. It attracts its prey with nectar filled in its pitcher, which in fact are modified leaves. So kids, ये एक तरह का ऐसा insectivorous plant है जो कि attract करता है अपने शिकार को with the help of their nectar. वो अपने रस की मदद से जो उसके अंदर होता है उसके pitcher में रस भरा होता है जिसको देखकर insects उसको देखकर attract होते हैं, जैसे honey bees या फिर कुछ भी ऐसा. जब वो उसके ऊपर जाकर बैठते हैं तो वो उनको attract करके खा जाता है, right kids? तो इसका नाम है, yes, it's a pitcher plant. तो हम यहाँ लिखेंगे pitcher. P-I-T-C-H-E-R, pitcher plant. Next, number two, dash is a genus of floating plants with bladders, small hollow sacs that catch tiny animals like insect, larvae, worms and fleas. So, ये जो insectivorous plant है, ये floating plants हैं. के पास bladder होता है, मतलब basically इनके अंदर छोटी-छोटी बोरी types ही ऐसी पोटलियां होती हैं, जिसके अंदर ये छोटे-छोटे animals और कीड़े और fleas या फिर ऐसे ही larvas और worms को trap करके खा जाते हैं और यही इनका main source of food होता है. These are, yes, bladder. B-L-A-D-D-E-R, bladder wart. Next is number 3. Dash is an insectivorous bog plant which attracts, captures and digests insects using its stalk glands covering the leaf surface. So, ye apne stalk glands ki covering leaf surface ki madad se जो अपने प्रे होते हैं यानी कि शिकार होते हैं उनको कैप्चर करके पहले अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको कैप्चर करके सीधा डाइजेस्ट कर लेते हैं और इनका नाम है सन ड्यू. नेक्स्ट इज नंबर 4. डैश इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट विद हिंज्ड लीव्स दैट स्नैप शट ऑन इंसेक्ट्स दैट लैंड ऑन देम. So kids, ये एक ऐसा insectivorous plant है जिसको आप देखकर ही डर जाएं. आप ऐसा देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितने बड़े बड़े इनके टीथ बने हुए हैं और ये अपने मुंह ऐसे खोलकर बैठे होते हैं
जैसे ही कोई भी शिकार या फिर कोई इंसेक्ट या वॉर्म या कुछ भी ऐसा उनके ऊपर आकर बैठता है, वो उसको फट से ऐसे करके बंद करके ट्रैप कर लेते हैं। तो ये है, यस, दीज आर वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। नंबर 5, डैश इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट अपीयर्स लाइक अ कोब्रास हुड। तो ये एक ऐसा इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसका जो हेड है वो कोबरा के हुड की तरह लगता है, कोबरा के फन की तरह लगता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस रेयर प्लांट इज नेटिव टू नदर कैलिफोर्निया एंड ओरेगन स्टेट्स ऑफ द यूएसए। तो ये जो प्लांट है ये एक रेयर प्लांट है जो कि नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में पाया जाता है यूएसए में। इट्स स्लिपरी पिचर वॉल्स आर हेयर प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम एस्केपिंग। सो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही स्लिपरी होती हैं जिससे इंसेक्ट बाहर निकलकर भाग नहीं पाता। सो दिस प्लांट इज नेम्ड एज कोबरा लिली। सो हम यहाँ लिखेंगे COBRA कोबरा, LILY कोबरा लिली। सो किड्स अब हम पढ़ते हैं इन्फोबिट्स। इन्फोबिट्स सेरेसिनिया is an American insectivorous flowering plant. Its leaves are modified to form pitchers for trapping insects. तो ये एक ऐसा American insectivorous flowering plant है जो कि अपनी पत्तियों को modify कर लेता है pitcher बना के। Pitcher यानी कि एक ऐसा pot type वो बना लेता है अपनी पत्तियों को, जिससे कोई भी insect उसके अंदर आता है तो वो एकदम से उसको trap कर लेता है, right? So with this, kids, we are done with another chapter of Journal Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye, take care and thank you.